हे गाइस वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि मैं फिर आ चुका हूँ एक और नया मैच प्रेडिक्शन वीडियो लेके। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखे, मैंने बहुत अच्छा से प्रेडिक्शन उसमें दिया था, बहुत अच्छा से टीम वगैरह बताया था, तो आप लोग जरूर देखे अगर नहीं देखा है तो। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज वगैरह में बोला है कि मैंने अपने चैनल पे एक आईपीएल 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पे आपको आईपीएल का सारा वीडियोज वगैरह देखने को मिल जाएगा, जहां पे मैं कुछ मैचेस का रिव्यू और मैच प्रेडिक्शन वीडियोस वगैरह डालता हूँ, जहाँ पे आप लोग को ड्रीम टीम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से एक एग्जांपल लेके एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, जैसे कि आज मैं वही टाइप का वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग को आज भी एक मैं एग्जाम्पल टीम दे दूंगा, आप लोग उससे एग्जाम्पल लेके एक बेहतरीन सा टीम बना के कल के गेम में लगा सकते हैं। तो कल आप लोगों को पता है कि दो गेम है, तो आज जो वीडियो ये आ रहा है ये अभी मैं डाल रहा हूँ आज, तो इसका आप लोग कल टीम बना के दोपहर में जो 3:30 बजे वाला गेम है उसमें आप लोग अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। उसके बाद कल मैं एक और वीडियो डालूंगा जो कि सेकंड गेम का होगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मुंबई वर्सेस CSK, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम होगा, उसका भी मैच प्रेडिक्शन दूंगा, तो वो आप लोग को कल देखने को मिलेगा वो वीडियो। तो आज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था जो आज का गेम था पंजाब वर्सेज राजस्थान रॉयल्स, तो वो गेम अभी चल ही रहा है, तो ये वीडियो मैं तभी शूट कर रहा हूँ। तो वैसे तो लग रहा है कि राजस्थान जो है वो जीत जाएगा, पंजाब हार जाएगा, पर देखिए क्या होता है, पर पक्का ही समझ लीजिए कि राजस्थान जीतेगा। तो गेम वो ठीक ही ठाक था, पंजाब का बहुत बुरा हाल शुरू से था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें मेरा, और ये वीडियो का टाइटल उसमें देख लो, समझ ही गया होगा कि आज का जो दूसरा आज का जो पहला गेम होने वाला है जो कोलकाता में होने वाला है, कोलकाता वर्सेस लखनऊ, तो उसका आज मैच प्रेडिक्शन वीडियो रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, किसे आप लोग को टीम में लेना है, किसे नहीं लेना है, किसे ड्रॉप करना है, किसे क्या करना है, और किसे सबसे बड़ा बात कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि सारा बात आप लोग को समझ में आए। अब बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और इस तरीके का वीडियो आप लोगों को देखने को बार बार मिले। और इस चैनल पे मैं ब्लॉग्स वगैरह भी डालता हूँ, तो ब्लॉग्स वगैरह भी मेरा प्लीज़ जाके देखे अगर अभी तक नहीं देखा है तो, और ब्लॉग्स वगैरह और भी आएगा फ्यूचर में, तो इसलिए बोल रहे जल्दी से बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, आप लोग इस तरीके का वीडियो वगैरह इंजॉय करते रहे। तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आप लोगों को किसे लेना है किसे नहीं लेना है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैंने एक एग्जाम्पल टीम आप लोग बना के दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा चेंजेस वगैरह करके एक फाइनल टीम बना के ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में लगा सकते हैं और कुछ बड़ा जीत सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेन टीम तो टॉस के बाद ही बनता है। तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा चेंजेस वगैरह करके एक बेस्ट टीम बना सकते हैं। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे दूंगा जो मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है, तो वो मैं एग्जाम्पल आप लोग को दे दूंगा, आप लोग उससे थोड़ा सा सीख के इधर उधर करके एक बेहतरीन सा टीम बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के बाद का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच पाए और सब लोग इसका मजा उठा पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, सो लेट्स गो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का गेम काफी इंटरेस्टिंग है, तो गेम जो है वो KKR वर्सेस लखनऊ का होने वाला है। तो ये जो गेम है वो ईडन गार्डन में होने वाला है, कोलकाता में होने वाला है, कोलकाता के होम ग्राउंड में। तो गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा, लखनऊ भी पिछला गेम हार के आ रहा है और कोलकाता भी पिछला गेम हार के आ रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग सा गेम होगा, उम्मीद तो करते हैं और बहुत ही बेहतरीन सा गेम हो। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं किसे लेना है किसे नहीं लेना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि सारा बात आप लोगों को समझ आए, और किसे कैप्टन किसे वाइस कैप्टन लेना है सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि सारा बात समझ आए। तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल टीम बना के दे दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस वगैरह करके एक फाइनल टीम बना के ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है फाइनल टीम तो सबका टॉस के बाद ही बनता है, क्योंकि टॉस के बाद ही समझ आता है कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा, और असली पिच रिपोर्ट उसी टाइम पता चलता है। तो आप लोग तो टॉस के बाद एक फाइनल टीम बना के ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में लगा सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे दूंगा किसे लेना है किसे नहीं लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो आज की जो पिच जो है वो बैटिंग पिच है, गुड फॉर पेस है, एवरेज स्कोर 178 का होने वाला है, और मैंने ऑलरेडी बोला वेन्यू ईडन गार्डन्स कोलकाता होने वाला है। तो यहाँ पे गेम काफी इंटरेस्टिंग होता है ईडन गार्डन में, और काफी मजेदार सा गेम होता है। तो रहा बात अब विकेट कीपर में किसे लिया जाए, तो विकेट कीपर में आप लोग को फ्लिप सॉल्ट को लेना चाहिए, KL राहुल को लेना चाहिए, पूरन भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है, डिकॉक भी अच्छा ऑप्शन है, तो इसे देखते हैं लेना है कि नहीं लेना है बाद में। बैटर में आप लोग को अय्यर को लेना चाहिए, रेगुलरली रन वगैरह बना के देता है 20-30, पेडिकल वेडिकल ये सब तो बेकार अभी है, दमी अच्छा नहीं खेल रहा है,
बाकी और कोई खास वैसा बैट्समैन है नहीं। रिंकू सिंह अच्छा बैटिंग करता है पर वो बैटिंग आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। वेंकटेश अय्यर पे कोई भरोसा नहीं है। नीतीश राणा हो सकता है तो खेले ये वाला गेम, तो देखते हैं क्या होता है। पर अभी तो कुछ अपडेट्स वगैरह वैसे खास नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि ये खेलेगा। रसल को छोड़ना नहीं है, रसल काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है, नारायण काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। रहा बात स्टोनिस कुणाल पांड्या, तो स्टोनिस को आप लोगों को लेना चाहिए। कुणाल पांड्या कम चांसेस है कि अच्छा खेलेगा, पर ठीक ही ठाक खेल भी लेता है ये कभी कभी। मिचेल स्टार्क है, रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई को आप लोग लेना चाहिए। उसके बाद बॉलर में आप लोग और किसे ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक ठीक ठाक सा ऑप्शन है लखनऊ के पास बॉलिंग का, और कोलकाता के पास भी ठीक ही ठाक सा ऑप्शन है। और बॉलर में कोई खास वैसा मिचेल स्टार्क को आप लोग ले सकते हैं। और रहा बात यश ठाकुर भी विकेट निकाल के दे दे रहा है आजकल, तो इसे भी ले सकते हैं आप। और वो ऐसा कोई खास बॉलर मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ वैसा खास कर पाए। वैसे वैभव अरोरा वगैरह भी ठीक है, इसे भी एक ले सकते हैं आप। अब रहा बात विकेट कीपर में, पूरन और डिकॉक में किसी एक को लेना है तो आप लोग डिकॉक को ले सकते हैं। पूरन को भी आप लोग किसी बॉलर को हटा के पूरन को ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। पर पूरन का कोई फिक्स नहीं है कि बैटिंग आएगा कि नहीं आएगा और कैसे खेले कैसे नहीं, अभी फिलहाल तो वो अच्छा नहीं खेल रहा है, तो देखिए क्या होता है। तो फिलहाल मैं अपने टीम में पूरन को नहीं लेके चल रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं जब फाइनल टीम बनाऊंगा तो किसी बॉलर को ड्रॉप करके पूरन को ले लूँ, या कोई नया प्लेयर अगर खेलेगा तो उसे मैं ले सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो अब आप लोग को बताते हैं किसे कैप्टन किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो बैटर में मैं सिर्फ श्रेयस अय्यर को लेके खेल रहा हूँ, मुझे और कोई ऐसा खास बैटर नहीं लगा, तो मैं जो है वाइस कैप्टन बना के चल रहा हूँ नारायण को। और रहा बात कैप्टन का किसे बनाया जाए, ये सबसे कंफ्यूजिंग बात है, तो कैप्टन किसे बनाया जाए। तो ऐसा करते हैं कैप्टन सुनील नारायण को, वाइस कैप्टन रसल को बनाते हैं, क्योंकि और मुझे कोई वैसा कंटेंडर लग नहीं रहा है कि वैसा खास कुछ कोई कर पाए। तो एक ये नॉर्मल समय है कि लेके चल रहा हूँ ये दोनों को सेफ हैंडेड कि ऐसा किया जाए। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं गेम में, पर वैसा मुझे खास तो वैसा कोई लग नहीं रहा है। तो रहा बात मेरे टीम का, तो मेरा टीम देख सकते हैं कि फाइनली ये है। विकेट कीपर मैं तीन लेके खेल रहा हूँ, डिकॉक, केएल राहुल, पी सॉल्ट। बैटर मैंने सिर्फ एक लिया है श्रेयस अय्यर। ऑलराउंडर मैंने सुनील नारायण, जिसे मैंने अपना कैप्टन बनाया है, और वाइस कैप्टन आंड्रे रसल को बनाया है, स्टोनिस को भी लिया है, और बॉलर में मिचेल स्टार्क, यश ठाकुर, बिश्नोई और वैभव अरोरा को लिया है। तो मैं बॉलर में हो सकता है किसी को बैठा सकता हूँ, और यहाँ पे कोई एक और बैटर या फिर विकेट कीपर में निकोलस पुरन को खिला सकता हूँ। देखिए क्या करेंगे जब फाइनल टीम बनाएंगे, पर ये मेरा एक एग्जाम्पल टीम है, एक सेफ हैंडेड टीम है जिसपे आप लोग थोड़ा एक रिस्क ले सकते हैं। तो यही मेरा आज का टीम है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो यही एक एग्जाम्पल टीम है, आप लोग इससे एक एग्जाम्पल लेके एक बेस्ट टीम बना सकते हैं थोड़ा मोटा चेंजेस वगैरह करके टॉस के बाद। तो मैं भी एक दो चेंजेस कर सकता हूँ टॉस के बाद। तो यही मेरा एक एग्जाम्पल टीम है। तो चलिए आप लोग को होप करते हैं कि ये टीम अच्छा लगा होगा, होप करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और पता ही है शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच पाए। और फिर से वही बात, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल टीम आप लोग को बना के दे दिया है, आप लोग उसमें थोड़ा मोटा चेंजेस वगैरह करके एक फाइनल टीम बना के ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में लगा सकते हैं और कुछ बड़ा जीत सकते हैं। तो होप तो यही रहेगा कि कुछ बड़ा आप लोग आज जीतिएगा, यानी कि कल जीतिएगा, ये वीडियो तो आज आ रहा है तो कल आप लोग इसको लगा के कुछ बड़ा जीतिएगा। तो आप लोग को एक एग्जाम्पल मिल गया होगा कि ऐसा टीम आप लोग को रहना चाहिए और किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, तो एग्जाम्पल आप लोग को मिल गया होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से टॉस के बाद थोड़ा मोटा चेंजेस वगैरह करके एक बेस्ट टीम बना के टीम लगा के ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में कुछ बड़ा जीत सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा, मैं अगला प्रेडिक्शन वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा कल। तो इसी तरह मेरे वीडियोस वगैरह देखते रहिएगा, पिछला वीडियो वगैरह नहीं देखा तो प्लीज जाके देखे। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, अगला वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। तो फिर मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा किसे लेना है किसे नहीं लेना है। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा होप करते हैं, और होप करते हैं कि कुछ बड़ा आप लोग जीतिएगा कल। सो बाय बाय, फिर कल मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो के।